सुनिए, जब भी मेरे सामने आती हो ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देती है। कितना जरूरी काम कर रहा था, सब बेकार हो गया। कब छूटेगी तुम्हारी आदत? वो मैं तो बस ये कहने आई थी कि खाना लग गया है। मुझे नहीं खाना खाना, जाओ यहाँ से। अहम कहाँ है? वो जरूरी काम में व्यस्त है। तो खाना खाने कब आएगा वो? गोपी वाऊ, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। अब तुम्हारी वजह से अहम ने नाश्ता करना तो छोड़ दिया है, अब तुम क्या चाहती हो, वो खाना खाने भी छोड़ दे? अब मुझे तुमको ये भी सिखाना पड़ेगा कि अपने पति को खाना खाने के लिए कैसे बुलाया जाता है। सीखेगी ना? अहम दिख रहा? काम में व्यस्त हो। कोई बात नहीं, पहले काम खत्म कर लो, उसके बाद खाना खाने आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम तो जानते हो ना बेटा, जब तक तुम खाना नहीं खा लेते मेरे गले के नीचे निवाला नहीं उतरता। चलिए मां, इतना जरूरी काम भी नहीं। अच्छा, तो जब मैंने गोपी वाऊ को भेजा था बुलाने, तब क्यों नहीं आए तुम? तुमने ये क्यों नहीं कहा कि मॉम ने बुलाया? कोई बात नहीं है, दिख रहा, अभी चलते हैं। चलिए। अहम दिख रहा, आज का खाना तुम्हें जरूर पसंद आएगा। आज का खाना मेरी गोपी वहू ने बनाया है। मैं बताती गई और उसने ठीक वैसे ही बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। लो गोपी वहू, मटर की सब्जी तो परोसो अहम को। मणि, भात पिरस। मैं खुद ले लूंगा। में दूध डाल दूं या दही? उफ, अरे हाँ, क्या कहा था उसने, फटा हुआ दूध। हाँ वही होगा, फटा हुआ दूध तो है, शायद इसी से मसाला छाछ बनता होगा, इसीलिए तो बाकी सब हटा दिया और फटा हुआ दूध छोड़ दिया, यही होगा। राशि बाऊ, अब रसोड़े में क्या हो रहा है? खाना बन गया, सबने खा लिया, अब छाछ के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे? लाई काकी जी, अरे
देखती हूँ। राशि बाहू, काकी जी माफ कर दीजिए, जरा देरी हो गई। लेकिन वो क्या है ना, मैं यही चाहती थी कि मैं इतनी अच्छी मसाला छाछ बनाऊं कि आप सब लोग इसे हमेशा के लिए याद रखें। ये लीजिए आपके लिए। अरे क्या हुआ? कोई नहीं पिएगा इसे, पता नहीं इसमें क्या है। क्या है इसमें, कैसे बनाया ये? धनिया और पानी और फटा हुआ दूध है ना। हाँ क्या है ना काकी जी, मैंने टीवी पे देखा था मसाला छाछ बनाने का नया तरीका। चुप, बकवास बंद करो राशि बहू, सब समझती हूँ मैं। टीवी पर नया तरीका देखा है छाछ बनाने का, देख लिया मोटा भाभी? एक बात बताओ राशि बहू, तुम्हारे पीहर में छाछ नहीं बनती है क्या, या तुम्हारी माँ ने सिखाया ही नहीं है कि छाछ कैसे बनाई जाती है? ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें ढंग से आता है? एक काम बता दो कोई भी, एक भी नहीं ना। छाछ बनाना तो एक छोटे बच्चे को भी आता है। कोकिला धीमे धीमे सीखे जैसे। बस मोटा भाभी, हम यूं ही अपनी बहुओं की गलतियों पर पर्दा डालती रहेंगी ना तो हमारी बहुएं कभी नहीं सीखेंगी। गोपी बहू जाओ रसोड़े में जाओ और छाछ बनाने का पूरा सामान लेकर आओ। अब आप देखना मोटा भाभी मेरी बहू कैसे छाछ बनाती है, तुम भी देखना ध्यान से। गोपी बहू जाओ। जी माँ जी। गोपी बहू चल शुरू हो जा। और राशि बहू तुम ध्यान से देखोगी कि छाछ कैसे बनाई जाती है। सरस, बहु सरस छाछ बनावी मारी गोपी बहु है। गोपी बहु माणी जी सबको छाछ चखा दो। जी राशि बहु ये चख के देख लो और अब से तुम ऐसी ही छाछ बनाओगी।